जैसा अभी राकेश जी ने आपको बताया कि आज की ये जो प्रेस वार्ता है ये मुख्य रूप से कल राज्यसभा में कल और आज कृषि बिल पारित कराने के दौरान जो कुछ घटनाएं घटी हैं और कृषि बिल से जुड़ा जो मामला है उसी मुद्दे तक आज की ये प्रेस वार्ता सीमित है। इसलिए कोई अन्य जो राजनीतिक सवाल होंगे अलायंस चुनाव और बाकी है उस पर फिर कभी जब बातचीत करना होगा तो करेंगे। आज एक सीमित मुद्दे पर यह प्रेस वार्ता है। मित्रों कल जो भी कुछ हुआ राज्यसभा में वह सभी अखबारों की सुर्खियों में है। कोविड के कारण जो प्रोटोकॉल है मास्क लगाना दूरी बनाए रखना इन सारे नियमों की अवहेलना कर विपक्ष के लोग जिसमें आरजेडी कांग्रेस सारी पार्टियां शामिल थी वो लोग डिप्टी चेयरमैन के कुर्सी तक पहुंच गए। ऐसा राज्यसभा के इतिहास में बहुत ही शायद ही कभी इस प्रकार की घटना घटी होगी क्योंकि वो निर्वाचित सदन नहीं है बल्कि एमएलए के द्वारा और माना जाता है कि वो उच्च सदन है। इसको उच्च सदन कहा जाता है और इस उच्च सदन से ये अपेक्षा नहीं रहती है कि लोग और डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन की कुर्सी के नजदीक पहुंच जाए। लोग कागज फेंकने लगे, उपसभापति श्री हरिवंश जी को गालियां दी गई, उनको धमकियां दी गई, लोगों ने उनके माइक को उखाड़ने का प्रयास किया, जो टेबल पर जो माइक लगा रहता है उसको उखाड़ने का प्रयास किया और कुछ सदस्य जो हैं सेक्रेटरी जनरल की जो टेबल होती है बीच के अंदर उस टेबल के ऊपर चढ़ गए, रूल बुक को फाड़ने का प्रयास किया गया, उनके एकदम नजदीक जाकर रूल बुक को और इस प्रकार से दिखा रहे थे, बिल की कॉपी को फाड़ा गया और ऐसी स्थिति आ गई कि मार्शल को दीवार बनकर सदस्यों और डिप्टी चेयरमैन के बीच में खड़ा होना पड़ा। और मित्रों सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आरजेडी जैसी पार्टी ये लोग भी उन्हीं लोगों के साथ शामिल थी और हरिवंश जी के बारे में सब जानते हैं, वो केवल बिहार के ही वरिष्ठ पत्रकार नहीं है बल्कि देश के जाने माने और बड़े पत्रकार हैं। तो ये जो हमला है ये जो अमर्यादित व्यवहार है और जो आचरण है उसे पूरा देश दुखी है और खास करके बिहार के लोग, चूंकि हरिवंश जी बिहार से जिस प्रकार से जुड़े रहे हैं तो हर एक बिहारी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। हर एक बिहारी को लग रहा है कि यह हमला या ये आचरण हरिवंश जी के साथ नहीं हुआ है बल्कि हर बिहारी के साथ इस प्रकार का अमर्यादित आचरण हुआ है। मित्रों हम ये भूल नहीं सकते कि पिछले दिनों सुशांत राजपूत का जो मामला आया था उसमें राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा में सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन कैसा दोहरापन था, यहां तो मांग कर रहे हैं और महाराष्ट्र में तो उन्हीं की सरकार है, यूपी की सरकार है, कांग्रेस उसका एक महत्वपूर्ण घटक है महाराष्ट्र के अंदर और राष्ट्रीय जनता दल यूपीए का समर्थन कर रहा है, यानी महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है वो यूपीए की राजद द्वारा समर्थित यूपीए की सरकार है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, यहां वो विरोध कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस जिस सरकार में शामिल है वो सीबीआई जांच का विरोध कर रही है। उसी प्रकार रघुवंश बाबू को अपने जीवन के अंतिम दिनों में जिस तरह से अपमानित किया गया कि जिस पार्टी में जिंदगी भर रहे उस पार्टी में अंतिम दिनों में उनको और पत्र लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा, उस पार्टी से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ा और उनके परिवार के लोग राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से इतने क्षुब्ध थे कि उनके शव को राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में ले जाने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। एयरपोर्ट पर इसको लेकर काफी भाषाभाषी हुई, वो चाहते थे कि उनके शव को हम पार्टी ऑफिस ले जाएं। उनके घर के लोग इतने दुखी थे
उन इन सभी लोगों के पूरे आचरण से कि उन लोगों ने और शव को राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय भी ले जाने से इनकार कर दिया। तीसरे मित्रों, ये लगातार एक पर एक जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं और विशेष करके कल जो हरिवंश बाबू जैसे शालीन और शिष्ट पत्रकार रहे, जो एक विद्वान है, एक विद्वता में जिनकी कोई पूरे देश में जिनकी ख्याति है, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है, तो राष्ट्रीय जनता दल से हम ये तो अपेक्षा करते थे या अपेक्षा करते कि वो उस पूरी घटना की निंदा करते, उसकी भर्त्सना करते। इसके बजाय भर्त्सना करना तो दूर की बात, ये सारे लोग उसके अंदर शामिल रहे। मित्रों, ये जो कृषि बिल से जुड़ा मामला है, तो मैं केवल आपको याद करा दूं कि ये जो एपीएमसी एक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, जिसको बाजार समिति कानून बोलचाल की भाषा में जानते हैं, 2006 में तत्कालीन एनडीए की सरकार जिसके मुखिया नीतीश कुमार थे, उस समय हम लोगों ने उस बाजार समिति कानून को और पूरी तरह से समाप्त कर दिया, रिपील कर दिया, और हिंदुस्तान में बिहार देश का पहला राज्य था और आज भी पहला राज्य है जिसने बाजार समिति कानून को समाप्त कर दिया। 70 करोड़ की आमदनी होती थी, फिर भी हम लोगों ने आमदनी की परवाह नहीं की, लेकिन वो किसानों के शोषण का माध्यम था और भ्रष्टाचार का अड्डा था। और जब ये बिल रिपील किया जा रहा था विधानसभा में, तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने उसी प्रकार हंगामा करने का प्रयास किया जैसे कल राज्यसभा में हुआ, वॉकआउट किए, राज्यपाल तक, राजभवन तक गए उसके समर्थन में कि उसको रिपील नहीं किया जाना चाहिए। तो मित्रों, मैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से ये जानना चाहता हूं कि क्या वो फिर से बिहार में बाजार समिति कानून को स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वो बिल का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका बिल का विरोध का मतलब है कि बिहार के अंदर जो बाजार समिति कानून था उसको दोबारा बिहार में हम लागू करेंगे। इसका मतलब है कि किसानों का फिर शोषण होगा, फिर बाजार समिति भ्रष्टाचार के अड्डे बनेंगे, और कैसे दुरुपयोग होता था, यानी उसका मतलब क्या, कोई भी किसान अपना सामान बाजार समिति के बाहर नहीं बेच सकता है, उसको वहीं अपना सामान बेचना पड़ेगा। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को मुक्त कर दिया कि आप जहां चाहें सामान बेच सकते हैं, हमको कोई बाध्य क्यों करेगा। अगर मैं टमाटर आलू कोई चीज पैदा करता हूं तो हमको बाध्य क्यों किया जाएगा कि आपको बाजार समिति प्रांगण में ही वो सामान बेचना पड़ेगा। अगर मुझे बाजार समिति के बाहर अगर मुझे ऊंचा मूल्य मिल रहा, अच्छा मूल्य मिल रहा है, तो ये आजादी हमको क्यों नहीं होनी चाहिए। कोई कहे कि आप कपड़ा केवल इसी मार्केट में बेच सकते हैं, बाहर नहीं बेच सकते हैं, कोई सामान यही बेचना पड़ेगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि किसानों की जो बाध्यता थी बाजार समिति प्रांगण में बेचने की, उस बाध्यता को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया। ये कदम उसी प्रकार का कदम है जिस प्रकार 1991 में नरसिंहा राव की सरकार ने और उद्योगों में लाइसेंस परमिट राज खत्म कर दिया था। ये उसी प्रकार का क्रांतिकारी कदम है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके घोषणा पत्र में लिखा है कि हम एपीएमसी एक्ट को खत्म करेंगे, किसान को स्वतंत्र करेंगे कहीं भी बेचने के लिए, यानी ये हालत थी। मैं तो उसी समय विधायक बना 90 में, मेरे घर के बगल में था बाजार समिति मुसल्लापुर, अगर कोई केला लेकर बेचने के लिए साइकिल पर जा रहा है तो भी जो ठेकेदार था दौड़ कर जाता था, उसका केला जो है कि तुमको टैक्स देना पड़ेगा, बाजार समिति का टैक्स देना पड़ेगा। और आश्चर्य की बात है कि उसका मतलब क्या था कि बाजार समिति का एक एरिया निर्धारित है, उसी में बेचना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई बाढ़ के पास कोई किसान है और बगल की मंडी है दूसरे जिले में, लखीसराय किसी और जिले में,
तो आप बगल में नहीं बेच सकते, आपको पटना आकर ही बेचना पड़ेगा। तो मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये जो कृषि बिल जो लाया है उसमें किसानों को मुक्त कर दिया बंधन से कि आप बाजार समिति में बेचना चाहे वहां बेचिए, बाहर बेचना चाहिए बाहर बेचिए, हिंदुस्तान के किसी कोने में बेचना चाहिए वहां बेचिए, भारत के बाहर बेचना चाहिए भारत के बाहर बेचिए। लेकिन राजद कांग्रेस के लोग इस प्रगतिशील कदम का भी और विरोध कर रहे हैं। और उसे मैंने कहा कि राजद इसका मतलब है कि फिर से किसानों को बाजार समिति के चंगुल में और लाने की साजिश कर रहा है। और जैसा मैंने कहा कि उस समय 1% टैक्स देना पड़ता था किसान को बिहार में, अगर 100 रुपये का सामान है तो 1% आपको देना पड़ेगा, 1000 का सामान है तो 1% आपको और टैक्स के रूप में और देना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, एक तो मुझे दुख है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, कानून से कोई मतलब नहीं है, नियम व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है और आँख मूंद कर विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि राजद के नेता ये स्पष्ट करें कि वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो फिर से बाजार समिति जो कानून है उसको फिर से बिहार में और पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। और मित्रों, केंद्र की सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया है कि जो बाजार समिति को समाप्त करना नहीं चाहते, यानी जो बाजार समिति प्रांगण में बेचना चाहते हैं वहां बेच सकते हैं, हम किसानों को विकल्प दे रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं। अभी कोई चॉइस नहीं, एक ही चॉइस है बाजार समिति। वो मंडी के बाहर जब उनको अच्छा मूल्य मिलता है वो बेचने के लिए स्वतंत्र है। और मित्रों, किसानों को ये भड़काया गया हरियाणा और पंजाब में कि ये अगर बिल पारित हो गया तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो धान और गेहूं की खरीद होती है वो समाप्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने 1 दर्जन बार ऐलान किया है कि कोई भी समर्थन मूल्य पर खरीद बंद नहीं होगा, वो यथावत चलता रहेगा। लेकिन जानबूझकर एक भ्रम की स्थिति देश भर में पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब मैं ये भी बता दूं कि जिन लोगों ने 15 साल बिहार में राज किया उनके राज में कोई धान की खरीद नहीं होती थी। यही रघुवर सौ थे कि अपने अंतिम दिनों में यानी 2005 के पारे 2-3 साल और मामूली खरीद प्रारंभ हुई थी। और ये धान की जो खरीद है समर्थन मूल्य पर जो खरीद है, ये खरीद हम लोग की जब सरकार आई है बिहार में तब किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीद तेजी से प्रारंभ हुआ है। इसलिए मैं बिहार के किसानों को और बिहार के माध्यम से देश के किसानों को ये बताना चाहूँगा कि APMC ये समर्थन मूल्य पर धान या किसी और चीज़ की खरीद को बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने लागत का 1.5 गुना और समर्थन मूल्य निर्धारित करवाया और इतने बड़े पैमाने पर और किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदने का काम किया गया। इतना दूसरा जो एक बिल है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये कोई बड़ी मान लीजिए मैकडोनल्ड है, अब वो चिप्स बनाती है, बेचती है चिप्स, उसको बड़े साइज का आलू चाहिए तो वह किसानों के साथ समझौता करती है, तुमको हम बीज देंगे खाद देंगे, तुमको इस साइज का आलू तैयार करना है और उसका रेट भी वो पहले से निर्धारित रहता है कि आपको इस रेट में हम आलू आपका जितना आलू होगा हम आपका आलू खरीद लेंगे। यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ITC नाम की कंपनी आप जानते हैं, आशीर्वाद आटा जो बिहार में भी बिकता दुकानों के अंदर, बिहार से हर साल 2-3 लाख मैट्रिक टन ITC गेहूं खरीदती है। लेकिन अभी चूंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून नहीं था तो सीधे किसानों से बिना समझौते के खरीद लिया करते थे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो बड़ी कंपनियां हैं वो अगर चाहें तो वो किसानों के साथ एग्रीमेंट करेंगी कि हम आपका पूरा का पूरा उपज खरीद लेंगे, इस कीमत पर वो उपज होगा
हम आपको बीज देंगे, हम बाकी आपको सारा सामान देंगे। और बिहार में भी बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों से खरीद का काम प्रारंभ हो गया है। अब इसको एक कानूनी ढांचा दिया जा रहा है, अभी बिना समझौते के खरीद हो रही है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान और कंपनी के बीच में लिखित समझौता होगा, किस दाम पर हम खरीदेंगे वो लिखित होगा, ताकि वो धोखा नहीं दे दे कंपनी और न किसान उसको धोखा दे दे। और जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर कोई शिकायत होगी तो ग्रीवेंस डिस्पोजल के लिए, शिकायत निवारण के लिए एसडीओ को अधिकृत किया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि किसानों को उपज के पहले उसको क्या कीमत मिलेगी उसकी सामान की, ये सुनिश्चित कर दिया जाएगा। तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी, किसानों को इसका लाभ मिलेगा, कोई किसानों को धोखा नहीं दे पाएगा। और बिहार सरकार किसान प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPO, किसान उत्पादक संघ, 20 किसान मिलकर एक संगठन बना लेंगे और अपना उपज मिलकर किसी कंपनी को बेचेंगे, जिसको FPO बोलते हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसान उत्पादक संगठन बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अभी जब पुलों का उद्घाटन शिलान्यास हो रहा था, उसमें उल्लेख किया बिहार के अंदर भी कई ऐसी कंपनियां हैं, ये FPOs हैं जो बड़े पैमाने पर धान कंपनियों को बेच रही हैं। तो मित्रों, 21वीं शताब्दी है, हम किसानों को चंगुल से मुक्त करना चाहते हैं, किसानों को विकल्प देना चाहते हैं। और अभी आपने मालूम है कि बिहार में हाल के दिनों में और एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम लोगों ने लाया है, और 7 तरह के समान शहर, आपको बता दें पतंजलि कंपनी बिहार से बहुत बड़े पैमाने पर शहद खरीद के ले जाती है किसानों से, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम नहीं है। बिहार के अंदर सब्जी, फल, मक्का, मखाना, ऐसी चीजों के फूड प्रोसेसिंग के लिए पिछले दिनों हम लोगों ने एक पॉलिसी लाई है कि कोई 25 लाख रुपया कम से कम अगर पूंजी निवेश करेगा और मखाना और सब्जी और इन चीजों के टमाटो केचप बनाना है, कोई और प्रोसेसिंग की चीज बनाना है, तो उसको हम पूंजीगत अनुदान देंगे, हम कैपिटल सब्सिडी देंगे, ताकि बिहार के अंदर मखाना, लीची से लेकर शहद से जुड़े उद्योग जो हैं, आज बिहार में उद्योग नहीं है शहद, लीची और बाकी चीजों के, तो उद्योग लगाने वाले को अगर 1 करोड़ रुपया वो इन्वेस्ट करेगा तो उसको हम 15 लाख से लेकर 25 लाख रुपया सब्सिडी देंगे। अगर बैंक से लोन लेगा तो ब्याज पर भी 10% का अनुदान देंगे। और ये तब सफल होगा जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, लोग समझौता करेंगे किसानों से, ताकि कोई किसान को धोखा नहीं दे सके। तो इसलिए मित्रों, मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, और विशेषकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को, जिन्होंने दूरदृष्टि से आज से 15 साल पहले बाजार, यानी आज जिस कानून को शिथिल कर रही है भारत सरकार, उस कानून को 14 साल पहले बिहार के अंदर पूरी तरह से समाप्त करके किसानों को और शोषण से मुक्त कर दिया, बाजार समिति के चंगुल से मुक्त कर दिया। तो इसलिए मित्रों, मुझे दुख है इस बात का कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से इस बिल का विरोध कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य कल जिस प्रकार से इस हंगामे और अमर्यादित व्यवहार में शामिल थे, इसका खामियाजा इनको आगे आने वाले दिनों के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को किसानों से कभी दूर दूर तक कभी कोई मतलब नहीं रहा। और आज समय नहीं कि मैं आपके सामने इस बात को बताऊं कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या काम किया है। ये राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, ये किसान विरोधी हैं, जिनको किसानों के हितों का कोई ख्याल नहीं है, और ये चाहते हैं कि किसान उसी प्रकार परंपरागत तरीके से बिचौलियों के, दलालों के और चंगुल में फंसे रहे। आज हरियाणा पंजाब में आढ़तिया होते हैं, उसको बोलचाल की भाषा में आप मिडिल मैन कह सकते हैं।
तो आज वहां जो आंदोलन है उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका इन दलालों की है, इन बिचौलियों की है, जिनको कमीशन एजेंट कहते हैं वहां पर। उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन बिहार को हम पंजाब, यानी इस मामले में हम पंजाब और हरियाणा नहीं बनने देंगे, जहां पर बिचौलिए दलाल से जो मुक्ति मिली है बिहार को और पूरे देश को, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो पुरानी व्यवस्था और देश के अंदर बरकरार है। इसलिए मित्रों, मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और खास करके हरिवंश बाबू से हम सभी लोगों का बड़ा व्यक्तिगत संबंध है, और आपके बीच के ही वो व्यक्ति रहे। हमने तो कल जब टीवी पर देखा तो हम लोग इतने दुखी थे कि आज जब प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था उधर शिलान्यास का, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने अपने भाषण में और हरिवंश बाबू के साथ जो घटना घटी उसका भी मैंने अपने भाषण में आज वहाँ पर उल्लेख किया। मित्र, इतना ही मुझे कहना था। इस विषय से जुड़ी कोई बात किसी को पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं देखिए, वो बिचौलिया या वो मिडिलमैन तो गांव में जाकर जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, मुझे नहीं मालूम कि बिहार में बिचौलियों के माध्यम से बेचते हैं। देखिए, बिचौलिया मिडिलमैन तो कहीं भी हो सकता है, उसके माध्यम से उसका शोषण नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्या है, छोटे जो दुकानदार हैं गांव देहात में, वो गांव में जाकर और किसानों से गेहूं धान की खरीद करते हैं, और फिर वो खरीद कर बड़े के बड़े जो दुकानदार हैं होलसेलर उनको बेचते हैं। वो एक अलग व्यवस्था है, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पूरी व्यवस्था काम करती है। इसलिए आज यहाँ बिहार में ये बाध्यता नहीं है कि वो कहाँ बेचेगा, कहीं बेच सकता है, लेकिन ये कानून के कारण पंजाब हरियाणा वगैरह राज्यों के अंदर जहाँ बाजार समिति एक्ट लागू था वहाँ पर बेचने की उसकी बाध्यता थी। तो हम लोगों ने APMC एक्ट खत्म करके बेचने की बाध्यता को खत्म कर दिया। अब जिसको चाहे बेचिए, आप गांव में बेचिए, देहात में बेचिए, यह आवश्यक नहीं कि आपको पटना आकर या मुसल्लापुर में या मुजफ्फरपुर में मंडी में आकर बेचना पड़ेगा। ये बाध्यता हम लोगों ने 2005 में समाप्त कर दिया, जो बाध्यता 2006 के पहले बिहार के अंदर भी ये कानून लागू था। वो बिल अलग है भैया, वो बिल का विषय अलग, आप दूसरी बात कर रहे हैं, उसका उससे क्या संबंध, वो अलग चीज है ना। ये बिल तो केवल किसानों के उपज खरीद से जुड़ी हुई चीज है, हर बिल में ये पूरे किसानों की सारी समस्याओं का समाधान का बिल नहीं ना है। एक सीमित उद्देश्य को लेकर ये बिल है, किसानों की उपज के खरीद को लेकर ये बिल है। मुझे नहीं मालूम है 2012 में क्या उनका बयान है, मैंने देखा नहीं है। नहीं ठीक है, मैं बिना पढ़े हुए और बिना उसके ऑथेंटिसिटी को बिना वेरीफाई किए मैं कोई भी बात नहीं कर सकता हूँ। और आदमी समय के अनुसार आगे बढ़ता है ना, आज से 20 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है, उसमें किस संदर्भ में क्या काम है नहीं कर सकता उसको। लेकिन आज तो 2021 में खड़े हैं। जो मुझे कहना था मैंने बहुत विस्तार से बता दिया है, उसी बात को दोहराऊं ये उचित नहीं होगा। मुझे पूरी बात को मैंने विस्तार से बता दिया कि आप वहां भी जाकर बेच सकते हैं ना, भी मंडी में बेचने की रोक थोड़ी है, लेकिन आपको बाध्यता थी कि नहीं आप मंडी में ही जाकर बेचेंगे। इस बिल के द्वारा उस बाध्यता को समाप्त किया गया।